राम राम भैया। राम राम। मार नाम सेवक राम गोरे छे, आशा संस्था राजपुर से आयल छे। आपको नाम काय छे भैया? मार नाम शिवराम गोरे छे, मोहिदा ग्राम मोहिदा, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी। तुम काय कर रहा भैया यहाँ पर खेत में? हूँ हल चले लो, गहरी जुताई कर ले। भैया आप गहरी जुताई क्यों कर रहा? हूँ भैया गहरी जुताई कारण कर रहे कि जो हानिकारक कीट छे वो खत्म हो जाएगा धूप में, और जमीन भी अच्छी धूप खाई जाएगा तो दूसरी फसल अगली अच्छी पकेगा। भैया आप गहरी जुताई कर रहा, तेका में सामग्री काई काई लगेगा? सामग्री एकाम भैया एक हल होनो और दो बैल होनो, एक पिराणो होनो लकड़ी, और एक रास, एक जुपनो। अभी मैंने ये सब कंप्लीट करीने फांदी करीने तैयार करीने दे रखेल छे। भैया आप गहरी जुताई कर रहे थे, काम को सावधानी भी रखना पड़े थे? सावधानी आज की भैया गेहूँ कटने के बाद में दूसरे दिन की गहरी जुताई कर देनी चाहिए, एकासी बहुत फायदा होता है। दूसरी सावधानी आज की जरा हल के दबाई ने गहरो लगानी चाहिए। भैया आप गहरी जुताई किस प्रकार से करोगे जरा चले ना हमको बताओगे? हाँ भैया हम अभी हल गिरी रोज तुम देखो नहीं कसो गहरी जुताई करो। हाँ अभी मैंने बताया भैया अलग तरीका से गहरी जुताई करनी चाहिए। भैया आप गहरी जुताई कर रहा तो एक ऐसे फायदों का ही छे? ये अभी तो भैया नरम जमीन छे, एक ऐसे हाल भी अच्छा लगी है। दूसरा फायदा ये भैया कि अभी गहरी जुताई कर देंगे चारों कम होंगे, जमीन में नमी भी छे तो हाल भी अच्छा लगे और ढेकड़ा भी नहीं पड़ी ना। अभी जमीन नरम छे तो अभी हम देसी हाल ही लगी जाए, और बाद में अगर आप 2 महीना बाद हाल गिरा तो ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा, पैसों लगेगा, तो अपना पैसा भी बचेगा अभी। और अभी गहरी जुताई करना से दूसरा फायदा ये भैया कि वो हानिकारक जो कीट से ये अभी धूप में मरी जाएगा तो बाद में कम निकलेगा, फिर इनका अंडा वगैरह है ये भी खत्म हो जाएगा। ये भैया अभी कटासला उंगेल से खूब तो ये भी कच्चो बीज से ये भी अभी खत्म हो जाएगा, अगर दूसरी फसल में ये भी फिर बहुत कम होगा। अगर 2 महीना बाद अपन हाला तो कटासला का बीज पक्का हो जाएगा और ये को बीज पड़ जाएगा, एकासी अभी हल अच्छो से हमको यो फायदा छे, एकासी हम अभी गहरी जुताई कर रहे हैं। भैया आपने जो मतलब गहरी जुताई की इतनी अच्छी जानकारी दी, और तुम मतलब अन्य किसान न और अपना गांव का किसान न का संदेश देना चाहोगे? मारो तो सभी किसान भाई ने यूज करना पड़े भैया कि एक दो दिन गेहूँ काटने के बाद गहरी जुताई कर देना चाहिए। एकासी भैया हम अभी सब फायदा अपना यो छे कि भूमि नरम रहे, हल भी अच्छा लगी जाए, और खरपतवार भी कम होंगे, कटासला वटासला बीच बीच अभी खत्म हो जाए। और हम तो ये कहना चाहूँ कि सब किसान भाई ने कह कि गेहूँ की फसल कटने के बाद एक दो दिन बाद गहरी जुताई कर देनी चाहिए। सब किसान भाई ने कहा राम राम। भैया तुमने मका गहरी जुताई की इतनी अच्छी जानकारी दी, एक धन्यवाद। अच्छा हूँ, चलो राम राम। राम राम।